गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड, वेलकम वंस अगेन. माई सेल्फ मिसेस नीलम नेगी. चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हिंदी लिटरेचर. बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में ईमानदार रामू की कहानी सुनी थी. आपको कहानी अच्छी लगी होगी ना? चलिए आज हम इस पाठ से संबंधित कार्य करेंगे. बच्चों, हमारा जो पहला कार्य है वो है कठिन शब्द. ये कार्य आपको अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में करना है. आप पहले नोटबुक में हेडिंग डालेंगे ईमानदार रामू, उसके नीचे लिखेंगे कठिन शब्द जैसे मैंने लिखा हुआ है. फिर आपके जो ये कठिन शब्द हैं वो हैं, पहला है कुल्हाड़ी, दूसरा है व्यतीत, तीसरा है जीवन यापन, चौथा है क्रंदन, पांचवा है विचित्र, छठा है वास्तव, सातवां है लालची, एट्थ है बेईमान, नाइन्थ है सच्चाई और आपका टेंथ है स्वयं. बच्चों, ये शब्द हम फिर से दोहराते हैं. कुल्हाड़ी, व्यतीत, जीवन यापन, क्रंदन, विचित्र, वास्तव, लालची, बेईमान, सच्चाई और स्वयं. बच्चों, हमारा जो अगला कार्य है वो है शब्द अर्थ. चलिए देखें. पहला शब्द है अलावा, जिसका मतलब होता है अतिरिक्त. दूसरा शब्द है व्यतीत, जिसका मतलब होता है बिताना. तीसरा है आपका स्वयं, जिसका मतलब है अपना. अगला शब्द है घटना, जिसका मतलब है हादसा. फिर आपका विचित्र, जिसका मतलब है अनोखा. अगला शब्द है लालची, जिसका मतलब है लोभी. अगला है आपका धन्यवाद, जिसका मतलब होता है आभार प्रकट करना. और आखिरी शब्द है आपका क्रंदन, जिसका मतलब है चिल्लाकर रोना. बच्चों, ये कार्य भी आपको अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में अच्छी अच्छी राइटिंग में करना है. बच्चों, आपका अगला कार्य है एक शब्द में उत्तर दो. तो बच्चों, आपका पहला प्रश्न है रामू के गांव का नाम क्या था. तो पता है ना आपको रामू के गांव का नाम क्या था? सकरपुरा. तो आपको उसका उत्तर लिखना है सकरपुरा. दूसरा क्वेश्चन है रामू कैसे विचारों का लड़का था. उसका उत्तर है सरल. तीसरा है रामू की कुल्हाड़ी कहाँ जा गिरी. तो आपको पता है ना कहाँ गिरी थी? नदी में. तो आपको उसका उत्तर लिखना है नदी. चौथा प्रश्न है रामू का क्रंदन सुनकर कौन आया. तो आपको पता है ना बूढ़ा आदमी आया था. तो आपको उत्तर लिखना है बूढ़ा. बच्चों, आपका आखिरी प्रश्न है तीनों कुल्हाड़ियों में रामू की कौन सी कुल्हाड़ी थी. तो उसका उत्तर आपको पता है ना कौन सी थी? लोहे की. तो आपको उत्तर लिखना है लोहे. बच्चों, ये कार्य भी आपको हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में करना है. बच्चों, अब इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर करेंगे. पहला प्रश्न है सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां रामू ने क्यों नहीं ली. तो बच्चों, इसका उत्तर है रामू की कुल्हाड़ी लोहे की थी. वह एक ईमानदार बालक था, इसलिए उसने बिना लालच किए सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां नहीं ली. दूसरा प्रश्न है तीसरी कुल्हाड़ी को देखकर रामू क्यों खुश हुआ. इसका उत्तर है तीसरी कुल्हाड़ी लोहे की थी, जो रामू की अपनी थी. उसे देखकर वह बहुत खुश हुआ. तीसरा प्रश्न है बूढ़े ने रामू की मदद किस प्रकार की. तो इसका उत्तर है बूढ़ा नदी से रामू की कुल्हाड़ी निकाल लाया और उसकी ईमानदारी से प्रश्न होकर उसने रामू को सोने और चांदी की भी कुल्हाड़ी दे दी. इस तरह बूढ़े ने रामू की मदद की. बच्चों, आखिरी प्रश्न है आपका रामू कैसा लड़का था, उसके चरित्र की दो विशेषताएं लिखो. तो इसका उत्तर है रामू सरल विचारों का लड़का था, वह ईमानदार और सच्चाई का साथ देने वाला बालक था. बच्चों, आपका जो अगला कार्य है वो आपकी बुक का पेज नंबर 13 का प्रश्न का है. ये आपको अपनी बुक में ही करना है. ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है सही उत्तर चुनो. इसमें आपको तीन ऑप्शन दिए हैं, जो सही है आप उसके आगे टिक करेंगे. पहला प्रश्न है रामू के पास क्या था. तो यहाँ पर तीन उत्तर दिए हैं, तीर धनुष, पैसा, कुल्हाड़ी. तो उसका सही उत्तर पता है ना आपको, रामू के पास क्या था? कुल्हाड़ी. तो आप कुल्हाड़ी पे टिक करेंगे.
दूसरा प्रश्न है, रामू किसके किनारे लकड़ी काट रहा था? इसके तीन ऑप्शन दिए हैं, तालाब के किनारे, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे। तो आपको पता है ना किसके किनारे काट रहा था? नदी के किनारे। तीसरा प्रश्न है, रामू को क्या नहीं आता था? पढ़ना, तैरना, बोलना। तो क्या नहीं आता था? तैरना। तभी तो वो अपनी कुल्हाड़ी नहीं ले पाया ना, तो आपको क्या करना है? तैरना पर टिक करना है। चौथा है आपका, सहायता करने वाला बूढ़ा कौन था? तो इसके ऑप्शन दिए हैं, साधारण मनुष्य, जल का देवता, जादूगर। तो इसका उत्तर क्या है? जल का देवता। जो ये वाला कार्य आपको नोटबुक में नहीं करना है, ये आपको बुक में ही सॉल्व करना है। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।